नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल इंडियन खबरची पर। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इंडियन रोजगार से रिलेटेड। वहां पर हम जो है जितनी भी लेटेस्ट जॉब या वैकेंसीज होती हैं उसके नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं और ये भी बताते हैं कि किसी भी फॉर्म को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने ACT एक्ट अप्रेंटिसिस की जो है वैकेंसी निकाली है 2023-24 और 24-25, यानी कि दो साल की ये जो वैकेंसी है ना। तो जिन लोगों ने ITI किया हुआ है उनके लिए एक अच्छा मौका है, यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डेट की, तो जो नोटिफिकेशन आया था वो 4 नवंबर को आया था और 4 नवंबर से ही आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना शुरू हो गया है। क्लोजिंग डेट इसकी है 3 दिसंबर 2024, तो लगभग आपके पास एक महीना है, जिसमें से आज 9 तारीख है, तो ये जो है डेट 5 दिन निकल गए हैं। अभी भी आपके पास वक्त है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। और रेलवे के अंदर जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, टेक्नोलॉजी है या जो भी काम होता है उसको आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, वैकेंसी की बात करेंगे हम, और इसके अंदर कितने स्लॉट्स या कितनी वैकेंसीज है, 5,647 स्लॉट्स हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ऑनलाइन ही होगा। कैसे होगा, आप जो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे की जो वेबसाइट है उस पर जाएंगे, www.nfr.indianrailways.gov.in, वहां पर जनरल इन्फो का टैब होगा, उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट सेल GHY, वहां पर आप जाकर के इसको फिल करेंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, जो आपका एकेडमिक रिजल्ट है, यानी कि आपने 10th किया होगा, 12th भी किया होगा कुछ लोगों ने, है ना, और ITI भी किया होगा, तो उनका जो एकेडमिक रिजल्ट है उस रिजल्ट के बेसिस पर जो है आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा DV, देन आपको जो है डिवीजन या यूनिट में भेज दिया जाएगा। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहां आप अपनी चॉइसेस भरेंगे कि मैं जो है इस यूनिट में जो है ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, मैं इसमें ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो आप वहां पर चॉइसेस भरेंगे, उसके हिसाब से जो है आपको फिर वहां पर जाना होगा, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट देयर इज नो सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट विल बी फॉर्म, यहाँ पर कोई भी सेंट्रलाइज्ड मेरिट लिस्ट नहीं होगी, जो भी होगा एक यूनिट या डिविजन के अंदर होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। अप्रेंटिसिस विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कम्युनिटी वाइज मेरिट पोजीशन, यानी कि किसी भी एक यूनिट में कितनी वैकेंसी है, कि उस यूनिट में कितने ट्रेड में वैकेंसी है, फिटर की वैकेंसी कितनी है, मैकेनिक्स की कितनी है, है ना, और इलेक्ट्रिकल की कितनी है, वो सारी, और कम्युनिटी वाइज SC जनरल OBC इस तरह से जो है वहां पर होंगी। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th में आपके कितने मार्क्स होंगे, मिनिमम 50% एग्रीगेटेड मार्क्स, ठीक है, और ITI मार्क्स इन द ट्रेड इन विच अप्रेंटिसिस टू बी डन, जिस ट्रेड में आप अप्रेंटिसिस कर रहे हैं उसी ट्रेड की आपके पास ITI होनी चाहिए, उसमें कितने मार्क्स हैं। द फाइनल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एंड ITI, यानी कि आपके 10th में और ITI में कितने मार्क्स हैं उनका एवरेज निकाल दिया जाएगा, उसके बेसिस पर लिस्ट बन जाएगी। लेकिन यहां पर एक और चीज है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, इनके लिए जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो ध्यान रखिएगा, उनके लिए 12th क्लास के जो है मार्क्स देखे जाएंगे, वी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन 10th के मार्क्स और प्लस 12th के मार्क्स, 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसके बेसिस पर जो है आपका एक एवरेज निकलेगा, उसके बेसिस पर लिस्ट बन जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन मैट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल, इन द अदर वर्ड्स कैलकुलेशन will not be on the basis of marks of any one or group of selected subjects. ऐसा नहीं है कि आपको जैसे 10th में बोलते हैं कि best 5 subjects कौन से हैं, ऐसे नहीं होगा, वो सारे subjects का average निकाल लेंगे, जो भी आपका percentage होगा उससे calculate कर लेंगे, best 5 या best 3 के हिसाब से नहीं देखेंगे। Similarly for ITI, the average marks mentioned in the consolidated statement of marks, जो आपको सेमेस्टर वाइज भी मार्कशीट मिलती है और एक कंसोलिडेटेड मार्कशीट भी मिलती है, तो जो भी मार्क्स आपके कंसोलिडेटेड मार्कशीट में होंगे उसी के हिसाब से जो है ये इसको कंसीडर कर लेंगे। व्हेन देयर आर टू और मोर कैंडिडेट हैविंग इक्वल मार्क्स, मतलब मान लो ऐसा हो सकता है किसी दो कैंडिडेट के जो मार्क्स हैं वो इक्वल हो गए, तो जो ओल्डर कैंडिडेट्स है एज में उसको कंसीडर किया जाएगा। शैल बी रैंक हायर इन केस देयर इज अ
there is date of birth is also same, then the candidate who have passed matriculation exam earlier shall be considered first. मान लो दो कैंडिडेट हैं जिनका जो है डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो जिसने 10th क्लास पहले पास करी है उसको कंसीडर कर लिया जाएगा. द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द ट्रेड वाइज कम्युनिटी वाइज, ये तो मैंने आपको बताई दिया. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट दस एनलिस्टेड फॉर रेस्पेक्टिव यूनिट विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसीज. मतलब एक वैकेंसी पर आपको 1.5 टाइम्स जो है, मतलब जैसे 5000 जो वैकेंसी है उसका 1.5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, उतने लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे. मेडिकल सर्टिफिकेट भी देगा आपको, देना होगा आपको. सिमिलरली कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर. अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, आपके पास एक रजिस्ट्रेशन का के लिए जो है मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी फिक्स होनी चाहिए, वो चेंज नहीं होगी. इसके बाद अगर किसी कैंडिडेट ने कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया तो ये बाद में सब चीजें चेंज नहीं होंगी. कैंडिडेट मस्ट नॉट चेंज देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एड्रेस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फॉर नेसेसरी कोरेस्पोंडेंस, है ना, ये चेंज नहीं होना है. अब अगर मैं बात करूं स्लॉट्स की, स्लॉट्स क्या क्या है ये आप ध्यान से देखिएगा, कहां कहां पर कितनी सीट है या कितनी वैकेंसीज है, इसका मतलब ये है. जैसे कटिहार में 812 है, एनेक्सर वन में दिखाएंगे हम, यहाँ पर एनेक्सर वन दिया है जिसमें सारी डिटेल दी है ट्रेड वाइज की और कैटेगरी वाइज, ठीक है, वहां बात करेंगे. अलीपुर द्वार में 413, रंगिया में 435, लमडिंग में 950, तिनसुकिया में 580 और न्यू बोंगईगांव में 982, दिबर्ग में 814 और एनएफआर हेडक्वार्टर में 661. ये जो है वैकेंसीज हैं, टोटल 5647 वैकेंसीज या स्लॉट्स जो है आप देख सकते हैं. कैंडिडेट को जो है एक ही एप्लीकेशन भरनी है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है. इंडिकेट दी यूनिट ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्लियरली इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो चॉइसेस हैं वो अच्छे से सिलेक्ट करके भरनी है, उनका प्रेफरेंस आपको ध्यान से देखना है. मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है ये ध्यान से समझेंगे. मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड, अगर आप मैकेनिकल के अंदर जो है अप्रेंटिसिस कर रहे हैं तो इसके लिए जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर, गैस कटर, तो आपके पास जो आईटीआई होनी चाहिए वो प्लम्बर, कारपेंटर, वेल्डर, इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड है जहां पर आप जो है अप्रेंटिसिस करेंगे और ये आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट जो आपके लिए वैलिड होगा. और ट्रेनिंग पीरियड कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड का रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी. तो यहाँ पर मैकेनिकल हो गया, ऐसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए है, सेम इंजीनियरिंग के लिए है और सेम ही एसएनटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सिस्टम मेंटेनेंस के लिए भी है और पर्सनल अकाउंट मेडिकल. मेडिकल में आप ध्यान रखिएगा, 12th की बात होगी, जब भी मेडिकल की बात होगी तो रेडियोलॉजी वाला पोर्शन काम आएगा यहाँ पर, है ना, जो मैंने बताया था आपको, जैसे मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, है ना, और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी, 12th पास स्टूडेंट के लिए ये ट्रेनिंग होगी. और ट्रेनिंग का पीरियड कितना है, 1 साल 3 महीने, यहाँ पर भी 1 साल 3 महीने, ठीक है भाई. फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, तो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी क्लास 12th पास, जिसके पास केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी होनी चाहिए, कम से कम 50 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, कॉपी ऑफ मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th उसको जो है लगानी है इस सेक्शन के लिए, ठीक है जी. फॉर ऑल द कैटेगरी कैंडिडेट मस्ट हैव पास, ये तो सब मैंने बता दिया कि भाई आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी के लिए 10th का सर्टिफिकेट और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू कैंडिडेट बिलोंग्स टू एससी एसटी, है ना, जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या पीडब्ल्यूबीडी, है ना, ओबीसी के लिए तो यहाँ नहीं लिखा है, बट एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से जो है उनके लिए जो मिनिमम मार्क्स का जो क्राइटेरिया 50% मार्क्स आपके 10th 12th में होने चाहिए, आईटीआई में होने चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ पर उनके लिए वैलिड नहीं है. क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ऑलरेडी बता दिया, 10th की मार्कशीट, आईटीआई, आईटीआई की फाइनल मार्कशीट, आईटीआई का फाइनल सर्टिफिकेट जो आपके पास होगा, 10th और 12th की मार्कशीट अगर आप रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी में कर रहे हैं.
ओनली कंप्लीशन ऑफ द कोर्स इज नॉट सफिशियंट। अगर आप सोच रहे हैं मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया है तो मैं अप्लाई कर सकता हूं, नहीं, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड बी इन पोजीशन ऑफ देयर आईटीआई पास सर्टिफिकेट, मतलब उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है हमारा एग्जाम हो गया और अभी हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है, नॉट बिलो 15 ईयर्स और नॉट अबव 24 ईयर्स, यानी कि 15 से 24 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 5 साल का जो है रिलैक्सेशन है एससी कैंडिडेट्स के लिए, 3 साल का ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, यहाँ पर लिखा तो नहीं है, अच्छा यहाँ लिखा है नॉन क्रीमी लेयर, 10 ईयर्स का जो है पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए और 10 ईयर्स का जो है एक्स सर्विसमैन के लिए। रिजर्वेशन फॉर एससी, यहाँ पर बेसिकली यही बताया कि आपके पास एससी, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपके पास इसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है जी। 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है उनके लिए भी रिजर्वेशन है, तो यहां पर आपके पास जो है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो यहाँ पर एक और चीज लिखी है, एक्स सर्विसमैन देयर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल विल बी एंगेज फॉर अप्रेंटिसेस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी मेंशन बिलो, जो एक्स सर्विसमैन है उनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर रिजर्वेशन है, ठीक है, तो वो जो है इसमें अप्रेंटिसेस कर सकते हैं। तो जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो ये है, चिल्ड्रन ऑफ डिजीज्ड और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन इंक्लूडिंग दो स्किल्ड और डिसेबल्ड ड्यूरिंग पीस टाइम, और चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग जवान, चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग ऑफिसर, एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पर जो है ये आपको जो है वो बताया गया, एक तरह से ऑर्डर बताया कि किसकी किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, पहले इसको प्रायोरिटी दी जाएगी, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, इस तरह से जो है रिजर्वेशन होगा एक्स सर्विसमैन का। अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 100 रुपए की फीस है, नॉन रिफंडेबल है, ऑनलाइन पेमेंट होगी, ऑनलाइन थ्रू पेमेंट गेटवे लिंक गिवन इन द नोटिफिकेशन, ठीक है जी। ये बात याद रखनी है कि एक बार पेमेंट हो गई तो आपको जो है पैसा वापस नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फीस का जो एग्जेम्पशन है वो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और ईबीसी के लिए फीस एग्जेम्प्ट है, वुमेन कैंडिडेट्स आर आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, वुमेन कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो क्राइटेरिया है सर्टिफिकेट का वो ये है कि उनकी जो फैमिली की इनकम है 50,000 रुपए पर एनम जो है उससे कम होनी चाहिए, ये उनके लिए, और कब, किस डेट पर, 1/4/2024, तो उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन, आप जो है एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 50 रुपए की जो है फीस देनी होगी। क्या लिखा हुआ है, हाउएवर कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई एनी डिटेल सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। देखो यह लिखा है, इन केस कैंडिडेट हु विश टू मॉडिफाई और मेक करेक्शन इन हिज और हर ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन, he or she may do so on payment of 50 rupees for each occasion. However, candidate will not be allowed to modify any details submitted for registration. ठीक है जी, स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए क्या क्या जो कैटेगरीज हैं डिसेबल में वो यहां बताई गई है, जैसे कारपेंटर के लिए LDCP है ना, D है ना, और बेसिकली वही जो आपका विजुअली चैलेंज्ड है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, इस तरह से जो है ये जो है बताई गई है कि इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पर इनका जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी, LC लेप्रोसी क्योर्ड, DW डवार्फिज्म और एसिड अटैक, ये जो है डिटेल दी गई है। विजुअली हैंडीकैप में ब्लाइंडनेस, लो विजन, एक पर्सन विद डिसेबिलिटी में बताया गया है जिनको जो है बेनिफिट्स मिलेंगे। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कैंडिडेट शुड विजिट दिस वेबसाइट, ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, वहां पर जाकर के आप क्या करेंगे, आपको अपने आप को रजिस्टर करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करके जो है डिटेल भरनी होगी। ए कैंडिडेट इज अलाउड टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन शैल समरली डिस्क्वालीफाई द कैंडिडेट्स, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन भर देंगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फोटो को अपलोड करेंगे, ठीक है जी, keep 2 additional copy of the same photograph ready with them for bringing at the time of document verification. जो फोटो आप अपलोड करेंगे वो सेम फोटो उसी की कॉपी जो है 2-3, 4-5 फोटो आपके पास होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान वही फोटो आपकी यूज करी जाएगी, ठीक है जी।
डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं ये ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आईटीआई का सर्टिफिकेट, आपका जो है एससी कास्ट, एससी एसटी ओबीसी वाली कास्ट का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर है वो भी करना है, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया है। ट्रेनिंग एंड स्टाइपन, ट्रेनिंग एंड स्टाइपन ये बहुत जरूरी है। अप्रेंटिसेस विल बी पेड मंथली स्टाइपन एज पर दी प्रिस्क्राइब डेट, यहां पर जो है बताया नहीं गया है लेकिन प्रिस्क्राइब डेट ऐसा समझ लो कि 6,000, 7,000, 8,000 के आसपास ही जो है प्रिस्क्राइब रेट रहते हैं। अब ये लोकेशन के बेसिस पर भी हो सकता है, तो हो सकता है मंथली, ये मंथली स्टाइपन होगा आपका, हो सकता है 7,000 मिले, 8,000 मिले, हो सकता है 10,000 मिले, बट यहाँ पर लिखा है प्रिस्क्राइब रेट, तो जो भी उनके प्रिस्क्राइब रेट होंगे उसके हिसाब से आपको मंथली स्टाइपन मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखना है हॉस्टल का कोई भी अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको खुद ही अपना अरेंजमेंट करना है। एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर एक एग्रीमेंट जो है होगा, इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अप्रेंटिसेस, कैंडिडेट हैज टू पे सच अमाउंट, जो भी खर्चा हुआ है उसकी अप्रेंटिसेस यानी उसकी ट्रेनिंग के दौरान, वो पैसा जो है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बॉन्ड है आपका, एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो। इन केस सिलेक्टेड कैंडिडेट इज माइनर देन हिज गार्जियन वी शैल साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसेस विद द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर होगा उसके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा, जो उनके अगर मान लो माइनर है कोई स्टूडेंट, तो उनके जो है गार्जियन या उनके पेरेंट्स जो है साइन करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को। मेडिकल फिटनेस के लिए जो है एनेक्शर दिया गया है, उस एनेक्शर के हिसाब से जो है आपको वो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। मैं दिखाऊंगा ये सारे फॉर्मेट अभी। गवर्नमेंट डॉक्टर से जो है, जो गेजेटेड डॉक्टर होगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सर्जन ऑफ सेंट्रल स्टेट हॉस्पिटल, वहां से आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना होगा। इम्पार्टिंग ऑफ ट्रेनिंग विल नॉट कन्फर, अच्छा यहाँ लिखा है कि अगर आप अप्रेंटिसिस करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा परमानेंट एम्प्लॉई के रूप में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो यहां तक था जो डिटेल था, इसके बाद हम देख लेते हैं स्लॉट्स अब और कैटेगरी वाइज और ग्रेड वाइज, है ना, या ट्रेड वाइज। तो मैकेनिकल की बात करें तो जैसे प्लम्बर हो गया, कारपेंटर हो गया, वेल्डर हो गया, इस तरह से आप ट्रेड देख सकते हैं। कटिहार के अंदर, ये कटिहार डिवीजन है, तो वहां पर मैकेनिकल के अंदर ये ट्रेड है और इनका टोटल कोटा या टोटल वैकेंसी ये है और ये कैटेगरी वाइज है, ठीक है जी। यहाँ पर आप इन सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। तो इनका जो है लास्ट में टोटल हो गया 440। ऐसे ही मैकेनिकल, टीडीएच वर्कशॉप, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, इंजीनियरिंग, ये कटिहार की बात हो रही है। इसके बाद अलीपुर द्वार डिवीजन में भी जो है वैकेंसीज है, ये एनेक्सर 2 के अंदर है। सेम वैकेंसीज आप जो है नोटिफिकेशन में देख सकते हो। आप कहां पर ट्रेनिंग करना चाहते हो उसके हिसाब से आपको ये फिल करना होगा। रंगैया डिवीजन में भी आप जो है ये डिटेल देख सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर कुछ समझाने वाली बात नहीं है, आप बहुत ही समझदार लोग हो, आराम से समझ जाओगे। लुमडिंग डिवीजन में भी आप देख सकते हो, है ना। तो अगर स्पेसिफिकली कोई डाउट है तो आप वो मुझसे वीडियो के अंदर कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तिनसुकिया डिवीजन में भी जो है ये डिटेल आप देख सकते हो, बेसिकली ये वैकेंसीज की डिटेल है। न्यू बोंगईगांव के अंदर भी जो है ये डिटेल है, ऐसे ही वैकेंसीज की डिटेल आप देख सकते हो। दिबर्ग में भी ये सारी डिटेल आप सारी अच्छे से चेक कर सकते हो। एनएफआर हेडक्वार्टर जो यूनिट है उसके अंदर भी आप ये सभी डिटेल्स कैटेगरी वाइज, ट्रेड वाइज यहाँ पर आप देख सकते हो। 661 वैकेंसीज है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पर जो है अब आपको ये बताया गया है कि जो आपका पास एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होगा या ओबीसी का सर्टिफिकेट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। ये एनेक्शन 9 है, आप यहाँ पर इस फॉर्मेट को देख सकते हैं। इसके बाद ओबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ये है। सारे फॉर्मेट दिखाएंगे हम आपको। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये भी जो है आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का ये जो फॉर्मेट है, एक्स सर्विसमैन बेसिकली उनके लिए गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर नहीं, ये उसके लिए है भाई, टू बी सर्टिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर, नॉट बिलो द रैंक ऑफ दिस, ये आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए है, एनेक्सर 11, ठीक है। ये आपका वो फॉर्मेट है। इसके बाद गवर्नमेंट नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इशू द इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशूड बाय द इकोनॉमिकली, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए जब आपको अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है तो ये इसका फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में आपको जो है अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाना है। ये डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट का जो है फॉर्मेट है, पूरा का पूरा आपको जो है इस तरह से फॉर्मेट बनाना है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम जो भी आपका इशूइंग डॉक्टर है या जो भी क्या बोलते हैं मेडिकल अथॉरिटी है, वो ये फॉर्मेट है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, मतलब अलग अलग डिसेबिलिटी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट है, ध्यान रखना। इसके बाद चाहिए कंटिन्यूएशन में ही है, ये आपका इनकम सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमी, ये ईबीसी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है उनके लिए भी जो है ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल, जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है उसके अंदर जो 5000 वैकेंसी निकली है अप्रेंटिसिस की, तो आप उन वैकेंसीज को देख सकते हैं और इसका जो फॉर्म है आप ऑनलाइन भर सकते हैं। मैंने पूरा डिटेल आपको समझाया, अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं पर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो में कमेंट करना, आपके उस डाउट को हम जरूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस तरह की मदद चाहिए कि भाई इस फॉर्म को आपको भरना है तो आप हमें बताइएगा, हम जो है इसमें फॉर्म भर करके भी आपको बता देंगे कि किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है। तो ये था आज की इस वीडियो में दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।